अरे धीरज, अभी मैं आपका वो सीरियल देख रही थी यार, क्या डायलॉग लिखे हैं आपने, वो रोमांटिक डायलॉग, मतलब वो हीरो जब बोल रहा था ना, मजा आ गया यार, कैसे लिखते हो आप? अरे यार बस डूबना पड़ता है। कहाँ डूबते हो? डूबना पड़ता है इन द सेंस, मतलब कैरेक्टर के अंदर डूबना पड़ता है। ओ फील करना पड़ता है उस रोमांस को, और मतलब इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है। तो किससे लेते हो आप इंस्पिरेशन? ओ नो, इंस्पिरेशन तो मतलब मुझसे। ऑब्वियसली बात है यार, मतलब इंस्पिरेशन आदमी किससे लेगा, अपनी वाइफ से ही लेगा ना रोमांटिक सीन के लिए, तो तुझसे लेता हूं इंस्पिरेशन। लेकिन मुझसे कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, मुझसे तो आप ठीक से बात भी नहीं करते। नहीं होता क्या है ना, इंस्पिरेशन लेने के लिए बात जरूरी नहीं होती, जब तू मतलब घर में होती है और हम बात नहीं भी कर रहे होते हैं, मैं तुझे देख रहा होता हूँ तो भी मैं इंस्पायर हो रहा होता हूँ, इंस्पिरेशन ले रहा होता हूँ। तो आपके कहने का मतलब है कि आप मुझे सोच के इतने रोमांटिक डायलॉग्स लिखते हो? ऑफ कोर्स। अच्छा तो फिर बोल के बताओ ना वो वाला डायलॉग। अरे जब मुझे सोच के लिखते हो, अभी तो मैं सामने बैठी हूँ, तो मुझे सोच, मुझे देख कर बोलो ना। छोड़ना, चाय में पिलाना यार, अभी क्या है ये सब, मतलब धीरज प्लीज आपको बोलना पड़ेगा। ओह नो, क्या जिद लेके बैठ गई है? नहीं मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप मुझे सोच के डायलॉग बोलो। ओके, कौन सा वाला? वो ही हवा के झोंके वाला। हवा का झोंका। हवा का झोंका हो तुम। क्या हो तुम? झोंका झोंका, हवा का झोंका हो तुम। अच्छा, और पांक। और वो भी हो तुम। वो भी हो तुम, कैसे बोल रहे हो यार आप डायलॉग्स, आपके शो का हीरो ऐसे डायलॉग्स बोलता है क्या? हवा का झोंका हो तुम और मेरे जीने की आप रहने दो यार, आपसे होगा ही नहीं। नहीं, करो करो। अरे क्या, मैं बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ, हवा का झोंका हो तुम, सूरज की पहली किरण हो तुम, बारिश की पहली बूंद हो तुम, मेरे जीने की वजह हो तुम खुद नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो, आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारा चेहरा नजर आता है, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, तुम पास होती हो तो तुम में खो जाता हूँ, तुम दूर होती हो तो दुनिया में खो जाता हूँ। शीतल, ये शीतल कौन है? शीतल अपने सीरियल की हीरोइन, वो मुंह से इसलिए उसका नाम। सीरियल की हीरोइन का नाम संध्या है। संध्या है? हाँ। तो ये शीतल कौन है? शीतल वो, एक मिनट, आपकी शादी से पहले जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम शीतल था? नहीं नहीं, उसका नाम तो रिचा था। तो मतलब शीतल भी थी? नहीं नहीं नहीं, शीतल नहीं थी, शीतल तो रिचा, नहीं नहीं, शीतल तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड। तो आप अपनी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से इंस्पिरेशन लेते? नहीं नहीं, उससे क्यों लूंगा इंस्पिरेशन, वो तो एक्चुअली अभी 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 शीतल का फोन आया था ना, तो उसका नाम मुंह पे रह गया। फोन तो अभी मंजरी का आया था जब मैंने आपको लाके दिया। मंजरी का? हाँ तो शीतल का नाम शादी से पहले मंजरी था ना, अभी शीतल हो गया। ऐसा है, मुझे रिचा, शीतल उर्फ मंजरी और संध्या, इन सबके फोन नंबर चाहिए। फोन नंबर तो होंगे ही आपके पास, चलो। कौन सा सीरियल देख लिया?